दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सात ऐसे जबरदस्त वेब सीरीज जिनके अंदर भाई आपको जबरदस्त यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक बिल्कुल अलग सी दुनिया, एक बिल्कुल अलग आइडिया, एक बिल्कुल अलग एग्जीक्यूशन। अब इनमें से कुछ सीरीज आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेंगी, कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी, जो मैं वीडियो के दौरान आपको बताता रहूंगा। तो इंट्रो में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि अब से ज्यादा क्या ही बोलना, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की पहली वेब सीरीज का नाम है ब्लैक मिरर और ये वाली सीरीज 2011 के अंदर आई थी। अभी सीरीज की अगर कहानी के बारे में बात करें तो इसके अंदर कोई मेजर कहानी देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर मल्टीपल सीजन है और मल्टीपल सीजन के अंदर मल्टीपल एपिसोड, हर एपिसोड के अंदर अपनी ही अलग कहानी देखने को मिलती है, अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो इस तरीके की सीरीज को एंथोलॉजी सीरीज बोला जाता है और ये उन्हीं में से एक है, जिसके जितने भी एपिसोड होते हैं सारे इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, जिनकी जो कहानी होती है एक लीनियर फॉर्म में नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी होती है। तो बड़ा सवाल की वाला शो देखे क्यों, तो बस इतना बता सकता हूँ कि इस शो के अंदर जो इमेजिनेशन इस्तेमाल करी गई है, जो कॉन्सेप्ट हर एक एपिसोड का भाई अलग ही लेवल का है। कोई एपिसोड आपको फ्यूचर के अंदर लेके जाएगा तो कोई आपको पास्ट में लेके जाएगा, कोई आपको थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगा तो कोई आपको हॉरर एक्सपीरियंस कराएगा, मतलब साइकोलॉजी वाला हॉरर, भूत वाला नहीं। तो हर एपिसोड इसका अपने आप में यूनिक है। अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों का तो शो अपने आप में फेवरेट भी है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे अलग अलग एपिसोड है, बहुत सारी अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि इसका हर एक एपिसोड अलग है तो कुछ अच्छे एपिसोड देखने को मिलेंगे जो आप देख के कहोगे कि भाई मजा ही आ गया, कुछ इसके अंदर बेकार एपिसोड भी देखने को मिलेंगे जो आप कहोगे कि इसमें टाइम बर्बाद हो गया, वो तो टेस्ट टू टेस्ट वैरी करेगा। लेकिन ओवरऑल पैकेज देखा तो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा शो है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सीरियसली भाई एक मास्टरपीस टाइप का शो मिस करके बैठे हो। बहुत हाईली रिकमेंड है मेरी नजर में, और सिर्फ मेरी ही नजर में, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा है, सब लोग उसको रिकमेंड जरूर करेंगे आपको देखने के लिए। लेकिन हम एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने पहले एंथोलॉजी सीरीज कोई नहीं देखी और उसको आप डायरेक्ट लगा लोगे तो काफी ज्यादा चांस ये वाला शो आपको एकदम पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस तरीके की सीरीज देखना पसंद नहीं करते, उनको लीनियर वाली कहानी वगैरह देखना पसंद है। तो अगर आप इस तरीके के इसके अंदर उम्मीद करके देखोगे तो वो शायद इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये वाला शो आपको नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। हिंदी में डब हुआ नहीं है, काश होता, लेकिन नहीं है तो नहीं है। अगला शो है दोस्तों फ्रॉम, और ये वाला शो 2022 के अंदर आया था। ये वाला शो भाई लाजवाब, मतलब मैं सिर्फ एक एपिसोड देखा था और एक एपिसोड देखने के बाद उस दिन में जितना भी काम था मैं पूरा डिले कर दिया था। इस तरह से शो के से पहले एपिसोड होकर के रख लिया था। पूरे टाइम में शो के अंदर एक के बाद एक मिस्ट्री बढ़ती रहती है, मिस्ट्री जिस तरीके से उलझती जाती है, वो चीज देखने में भाई इस शो के अंदर मजा आ जाता है। इस शो की कहानी का थोड़ा सा आइडिया, तो कुछ लोग होते हैं जो कि अपने घर से निकले होते हैं एक जगह पर ट्रैवल करने के लिए कि वहां पर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह से वहां नहीं पहुंच के एक अलग से तरीके के टाउन में पहुंच जाते हैं, और वो टाउन ऐसा होता है कि वहां पर जाने का तो रास्ता होता है लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। लोग अगर वहां से रोड भी लेते हैं तो घूम फिर के वो लोग गोल सर्कल के अंदर उसी के अंदर पहुंच जा रहे हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, उस टाउन के अंदर ट्रैप हो गए वो सारे लोग। और कुछ लोग तो भाई उस टाउन के अंदर सालों से ट्रैप है। तो ऐसे ही शो की शुरुआत होती है जिसके अंदर कोई फैमिली के नजरिए से कहानी दिखाई जाती है, किस तरीके से वो लोग उस टाउन के अंदर फंस गए और कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब टाउन में पहुंच गए, चलो ठीक है, वहां पर रहने की भी कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग वहां पे सालों से, लेकिन वहां पे कैसा खतरा भी होता है जिसकी वजह से उनकी जान रात में काफी ज्यादा खतरे में आ जाती है। उसके बारे में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो चीज जब शो के अंदर देखने को मिलती है तो हॉरिफाइंग लग जाती है एक टाइम पे। तो ये वाला शो भाई पर्सनली मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो भाई आप ही में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के थ्रू शो के बारे में बताया था, मैंने करीब एक दो महीने पहले देखा था और मेरे को देखने में भाई बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगा था, मतलब मैं कहूंगा कि मेरे टॉप 10 शोज में कहीं ना कहीं फिट होता है। तो मेरी नजर में एक हाईली रिकमेंडेड शो है। दुर्भाग्यवश ये वाला शो भी हिंदी में देखने को नहीं मिलता, लेकिन काश हुआ होता भाई हिंदी में, मजा आ जाता ये वाला शो हिंदी में देखने में। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इस शो को भाई डेफिनेटली मिस मत करना, मजा आ जाएगा आपको। एक एपिसोड लगा लोगे उतना ही काफी है उसको हुक करने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हो उसको देखें कैसे, तो ये आप किसी OTT वगैरह पे अभी तो देख नहीं सकते, तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बर्तन दोस्तों अगले शो की तरफ, और इस शो का नाम है लिमिटलेस, और ये वाला शो का पहला सीजन 2015 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या होता है कि 27-28 साल का बंदा होता है, उसको एक मैजिक पिल मिलती है, वो मैजिक पिल क्या करती है कि जो भी उसको खाएगा उसके दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे, मतलब उसकी जो ब्रेन पावर होगी पूरे 100% पे मैक्स तरीके से इस्तेमाल होगी। तो इस शो के अंदर जो बंदा होता है ब्रायन फिंच नाम का, वो इसी तरीके के पिल्स इस्तेमाल करके FBI के अंदर ज्वाइन कर लेता है और FBI के अंदर उनके केसेस सॉल्व करने की मदद करता है। तो भाई इन पिल्स का इस्तेमाल करके वो किन किस तरीके से उन केसेस को सॉल्व करता है वो देखने में भाई शो के अंदर मजा आ जाता है। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे लिमिटलेस नाम की फिल्म भी आई थी 2011 के अंदर, तो हाँ बता दूं भाई इस शो का और उस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। और दिक्कत क्या है कि वो मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है और सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलती है, लेकिन ये वाला शो हिंदी में भी देखने को मिल जाता है और बहुत बड़ा शो है, मतलब शो है तो अपने आप में बड़ा ही हो गया। वैसे तो इसका सिर्फ एक ही सीजन है और सिर्फ 22 एपिसोड है, तो कह सकते हो कि इस शो के अंदर उस पिल का ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से इस्तेमाल होता है वो दिखाया है। तो मैं ये वाला शो देखने के लिए भाई जरूर रिकमेंड करूंगा, मस्त आइडिया देखने को मिलता है इसके अंदर, जबरदस्त एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। और हाँ, जैसे मैंने बता ही दिया ये हिंदी में देखने को मिल जाता है, दुर्भाग्यवश किसी OTT वगैरह पर नहीं है, तो इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और इस शो का नाम है मैनिफेस्ट। ये वाला शो 2018 के अंदर आया था पहली बार, और इस शो के अंदर हमको टाइम ट्रैवल देखने को मिलता है। और आपको पता ही होगा टाइम ट्रैवल अगर किसी शो के अंदर मिल जाता है तो उसके अंदर थ्रिल और उसके अंदर मिस्ट्री अलग ही लेवल की देखने को मिल जाती है। शो की कहानी के बारे में बात करें तो करीब 190 से लेकर 200 पैसेंजर होते हैं जो कि एक एरोप्लेन के अंदर बोर्ड करते हैं, उनको किसी डेस्टिनेशन पहुंचना होता है। चलो यहां तक कहानी थोड़ी सिंपल चल रही है, थोड़ा इंटरेस्ट ऐड करता हूं। जब वो प्लेन हवा में उड़ जाता है, प्लेन धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे लैंड हो जाता है। जैसे ही लैंड होता है उनको पता चलता है उनकी जिंदगी के 5.5 साल बीत चुके हैं, मतलब भाई समझ रहे हो, वो जब प्लेन के ऊपर चढ़े थे और प्लेन से उतरने के बीच तक उनकी जिंदगी में 5.5 साल का जंप आ चुका है। और 5.5 साल भाई कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग मूव ऑन कर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग रिलेशनशिप बदल
बदल देते हैं। तो इन लोगों के साथ भी यही होता है, ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था, टाइम जब कैसे हुआ, किसने कराया या फिर ये चीज नेचुरल थी। अब ये कहानी के अंदर इतनी मिस्ट्री काफी नहीं थी, जो सारे पैसेंजर होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ लिंक होने लग जाते हैं और उन सबको कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लग जाती है। तो अब इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, इन पैसेंजर के साथ क्या होता है, वो टाइम फ्रेम का मसला क्या है, ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको ये शो देखो। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा नशा लगा देने वाला शो ही वाला अपने आप में। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत ये लगती है कि बहुत सारे एपिसोड हैं इसके, बहुत बड़े बड़े एपिसोड हैं और ड्रामा पे ज्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े बीच में ड्रैग लगने लग जाते हैं। लेकिन जो उसके अंदर मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलती है वो कहीं ना कहीं सब चीजों को थोड़ा ढक देती है। शो के अंदर इंटरेस्ट तो पूरे टाइम बना रहता है। ट्राई जरूर करना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ये वाला शो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और इस शो का नाम है अंडर द डोम और ये वाला शो 2015 के अंदर आया था। अब इस शो के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, इनविजिबल दीवार होती है जो कि एक शहर को पूरी तरह ढक लेती है। अब वो दीवार अपने आप में इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि जो लोग उसके अंदर फंस गए भाई उसी के अंदर फंस के रह जाते हैं, और जो लोग बाहर हैं उससे वो उसके अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं। अब बल्कि अगर उसको तोड़ने की भी कोशिश करी जाए, अगर उस पर कोई चीज हिट करी जाए तो वो चीज भाई बिल्कुल तरह से बर्बाद हो जाती है, पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी उस डोम के ऊपर जरा भी आंच नहीं आ पाती। तो ऐसे हालातों में शहर के लोग क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अब शो के बारे में छोटी सी बात बता दूं कि शो की भाई स्टार्टिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। जिस तरीके से वो डोम आता है, जिस तरीके से सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, वो सब देखने में मजा आता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ते जाते हैं, एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं, इस सीरीज का ग्राफ थोड़ा नीचे आने लग जाता है। मेरा मतलब यही कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा मस्त उठाया गया था, लेकिन उसको ये पूरी तरह चूस नहीं पाते, पूरी तरह उस कॉन्सेप्ट को वसूल नहीं कर पाते। काफी कुछ करा जा सकता था शो के अंदर, लेकिन उतना होता नहीं है शो के अंदर। लेकिन फिर भी इस शो का जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए आप एक बार देखना कंसीडर करना चाहो तो आप देखना कंसीडर कर सकते हो। मैं एकदम हाईली रिकमेंड शो तो नहीं बोलूंगा ये वाला, लेकिन हाँ रिकमेंड जरूर कर सकता हूँ, एक बार देखने के लिए अच्छा खासा टाइम पास तो करा देगा। और अच्छी बात ये भी है कि ये वाला शो आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और इस शो का नाम है द एक्सपेंस। ये वाला शो 2015 के अंदर आया था। क्या गजब का साईफाई शो है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। इस शो की कहानी में काफी ज्यादा फ्यूचर के अंदर सेटल होती है, जहाँ पे हमारे प्लेनेट के लोग जो है बहुत ही ज्यादा मोबाइल हो गए मतलब कहीं भी आराम से घूम सकते हैं प्लेनेट्स के बीच में। और भाई बहुत सारे लोग तो अर्थ को छोड़ के मार्स के ऊपर भी बसने लग गए हैं। अब प्लेनेट पे रहना तो फिर भी समझ में आता है, इस शो के अंदर इंसान जो है एस्टोरॉयड बेल्ट्स की जो होती है उसके ऊपर भी रहने लग गए हैं। अब भाई इंसान क्योंकि दो दो प्लेनेट के अंदर बट गए हैं, तो भाई जैसे देशों के अंदर गर्मा गर्मी रहती है, इस शो के अंदर दोनों प्लेनेट्स के बीच में गर्मा गर्मी रहती है। और इसी गर्मा गर्मी के बीच में एक डिटेक्टिव होता है जो कि एक केस सॉल्व करने के लिए एक लड़की को ढूंढ रहा होता है, और उसको पता चलता है उन दोनों प्लेनेट्स के बीच में काफी बड़ा षड्यंत्र भी तैयार किया जा रहा है। तो अब ये डिटेक्टिव क्या करता है, वो लड़की उसको मिलती है या फिर नहीं है, या फिर षड्यंत्र क्या है, इन सबका जवाब को शो के अंदर मिलेगा। शो भाई जबरदस्त है, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, जो मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जो साइंस फिक्शन के विजुअल्स देखने को मिलेंगे, तो हाईली रिकमेंड है मेरी नजर में, जरूर जरूर देखना। दुर्भाग्यवश ये वाला शो हिंदी में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो ट्राई जरूर करना, डिसअपॉइंट भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाले, बल्कि हो सकता है कि शायद फेवरेट शोज में से एक बन जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और ये वाला शो इस वीडियो का सबसे बेहतरीन शो होने वाला है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है। इस शो का नाम है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, और ये वाला शो 2018 के अंदर आया था, और ये एक हॉरर बेस्ड मिस्ट्री शो है। मतलब अभी तक जितने भी है उनमें कोई हॉरर वाला एलिमेंट नहीं था, लेकिन इस शो के अंदर भाई हॉरर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और ऐसे हॉरर सीन्स देखने को मिलेंगे जो आप कोई सी मूवी उठा लो भाई, उन मूवीज किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी मूवीज के अंदर क्या होता है, जंप स्केयर वगैरह आते रहते हैं, उसी को देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन इस शो के अंदर वो चीज नेक्स्ट लेवल पे जाती है। आपको भाई सिर्फ जंप स्केयर सुना सुना के डराया नहीं जाता, इसके अंदर एक्चुअल में हॉरर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। कहानी के बारे में बात करें तो हमको दो टाइमलाइन दिखाई जाती है इस शो के अंदर, जो एक प्रेजेंट की चल रही होती है और एक पास्ट की चल रही होती है 1990s के जमाने की। और हमको 1990s के जमाने में दिखाई जाती है क्रेन फैमिली किस तरीके से घर के अंदर शिफ्ट होती है, जिसका नाम इस सीरीज के अंदर हिल हाउस दिखाया हुआ है। अब फैमिली उसके अंदर मूव तो हो जाती है ये सोच के कि उसको अच्छे से रेनोवेट करा के एक बड़े दाम पे बेचेंगे, लेकिन भाई उस घर के अंदर पहुंचने के बाद उनके साथ ऐसी हॉरिफाइंग चीजें होने लग जाती हैं जो लिटरली भाई हमारी भी फाड़ के रख देती है। घर के अंदर उनके साथ जो जो चीजें हुई हैं, उनके जो प्रेजेंट टाइमलाइन होती है वहां तक इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अब उनके साथ क्या चीजें हो रही हैं भाई, इनके बारे में तो डिटेल में नहीं चाहूंगा, क्योंकि फिर शो का मजा कुछ कुछ हद तक खराब हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई शो को एक बार जरूर देखो, शो को एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। मतलब भाई मैंने भी बहुत सारे शोज देखे, लेकिन किसी किसी शो की स्टोरी टेलिंग इतनी ज्यादा यूनिक होती है कि मैं स्क्रीन से आगे हटने नहीं देती। हर एपिसोड इस तरीके से खत्म होता है इस शो का कि आपको अगले एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बन जाती है, और उससे भी बढ़िया बात किसी पिछले एपिसोड से अगला एपिसोड ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। ओवरऑल ये वाला शो भाई बहुत तगड़ा पैकेज है, हाईली 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 रिकमेंड करूंगा। मतलब तीन बार हाईली बोला भाई, समझ सकते हो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, किसी और शो के लिए हाई तीन बार नहीं बोला होगा मैंने। तो ये वाला शो भाई जरूर देखना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ये वाला शो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। बेस्ट बात ये हिंदी में भी अवेलेबल है, पहले सिर्फ इंग्लिश में था, पहले हिंदी में नहीं था, मैंने जब देखा था सिर्फ इंग्लिश में देखा था, लेकिन आज की डेट में हिंदी में देखने को मिल जाता, तो हिंदी ऑडियंस के लिए बोनस वाली बात हो जाती है। तो यही कुछ शोज थे दोस्तों जो मेरे को इस वीडियो के द्वारा रिकमेंड करने थे। अगर आपके दिमाग में कोई इसी तरीके का शो है जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन का उपयोग करके हमें और हमारी कम्युनिटी को जरूर बताना। तो अभी की वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शोरूम मनी साइनिंग ऑफ।